इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं क्वारंटीन और लॉकडाउन के 2-3 महीने में. अच्छा हमारी एक्टिविटी जो कम रही है, हम घरों ठीक के है अंदर रहे हैं. लेकिन इसमें ये हुआ है कि हमने बेतहाशा हमने खुराक का इस्तेमाल किया है और तली हुई चीज़ें ठीक और है वेट जिससे बढ़ता है. तो इन दिनों में लोगों की मसल्स की पट्ठों की जैसे हमें कॉल्स आ रही है जी, कि दर्दें बढ़ी हुई हैं. बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है। ये चीज़ें मैं रखेगा कि इसका कोई क्विक हल नहीं है कि मैं अभी बताऊं और अभी सुबह तक ठीक हो ठीक जाए. है, ये चीज़ें मसल्स की दर्दें इस तरह से बेहतर नहीं होती हैं. बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है, अगर इनको पेन आ रही है, अगर उस जगह पे कुछ स्वेलिंग वगैरह है तो कुछ अपने टेस्ट करवा लें. जिसमें इंपॉर्टेंटली कोई यूरिक एसिड का टेस्ट होगा, अगर रिसेंटली इन्होंने कुछ डाइट वगैरह ऐसी इस्तेमाल की है. और जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रही थी कि हील के लिए जो है प्रिकॉशंस हैं, जूता कंफर्टेबल पहने, कुशन वाला पहने, वेट ज़्यादा है तो उसको कम करें, एक्सरसाइज जो है उसका इस्तेमाल करें और इसको थोड़ा सा टाइम दें, ये बेहतर होना शुरू हो हो जाएगी. जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वो स्किन का जो इशू था वो कोई पॉसिबल है कि जो स्किन कलाई का के नहीं, इशू? इसमें इसमें जो रिस्ट का जो भी पहली जी कॉलर बता रही थी उसमें कार्पल टनल का एक इशू आ जाता वही है. जो इसमें बड़ा अगेन ये होता फेमस है, फेमस प्रॉब्लम है है, जी, लोग बिल्कुल आजकल कॉमन है काफ़ी मेरे पास आ भी जी। रहे हैं इस प्रॉब्लम ठीक के है साथ. उसमें होता है कि आपकी 3 उंगलियां जो होती हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, ठीक लोगों है से कहते हैं चूंटियाँ चल रही हैं, बिल्कुल उंगलियों का फंक्शन जो है वो सही नहीं हो रहा. उसमें होता है सिर्फ ये कि रिस्ट की जो कलाई के जो एरिया होता है ठीक है वहाँ से आपकी एक नस दबना शुरू हो जाती ठीक है. है अगेन मेरी अप्रोच इसमें ये होती है कि पहले मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इन चीज़ों से उसको बेहतर किया जाए. ठीक है अगर बेहतर नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप में हम एक इंजेक्शन लगा के देख सकते हैं, और अगर उससे भी बेहतर नहीं होता तो फिर ऑपरेशन के जरिए उसको नस को रिलीज़ ठीक किया है जाता है. ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब कोई टेक अवे मैसेज देना चाहेंगे? हमारे पास 1 मिनट है बिल्कुल आप। खुर्रम साहब, जो लोग अभी कोरोना के हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, सब लोगों के लिए रिक्वेस्ट होगी कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, जहनी हेल्थ, जिस्मानी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने आप को परेशानी से दूर करें. जितना आप स्ट्रेस लेंगे, परेशानी लेंगे, आपकी दर्दें, प्रॉब्लम्स, बीमारियां बढ़ना शुरू हो बिल्कुल जाएंगी. ऐसे ही अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ये टाइम भी गुजर जाएगा, लेकिन अपनी सेहत को प्रायोरिटी पर रखें. डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी बहुत मच फॉर शुक्रिया. कमिंग और गिविंग द पीपल सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जी नाज़रीन, आप लोगों को गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब।